Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे के निपुण षट धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनाम देव कालिको वंदे रूप सनातन गुरु श्री जीव गोपालक सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ध्यानम अहोहन च वेदश्च सर्वै अहम वेदांत कृत वेद विदेव चाह। तृतीयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथाभासो यथाभ्रम। तृतीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथाभासो यथाभ्रम। हम लोग ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ओ ब्रह्मा, whatever appears to be of any value, if it is without relation to me, has no reality. Know it as my illusory energy, that reflection which appears to be in darkness. ठीक है, तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। हम लोग तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इन द प्रीवियस वर्स इट हैज बीन ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड दैट इन एनी स्टेज ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इट्स अपीयरेंस इट्स सस्टेनेंस इट्स ग्रोथ इट्स इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट एनर्जीज इट्स डिटोरिएशन एंड इट्स डिसअपीयरेंस ऑल हैज इट्स बेसिक रिलेशन विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड and as such whenever there is forgetfulness of this prime relation with the Lord and whenever things are accepted as real without being related to Lord, that conception is called the product of illusory energy of the Lord. Because nothing can exist without the Lord, it should be known that the illusory energy is also the energy of the Lord. The right conclusion of dovetailing everything in relationship with the Lord is called Yogmaya or the energy of union, and the wrong conception of detaching a thing from its relationship with the Lord is called the Lord's Daivi Maya or Mahamaya. Both the Mayas also have connections with the Lord because nothing can exist without being related to Him. As such, the wrong conception of detaching relationship from the Lord is not false but illusory. तो हम लोग एक तात्पर्य को समझने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी पास करेगा इसमें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे हमने पहले वाले श्लोक में देखा कि इसमें ऑलरेडी स्थापित कर दिया है भगवान ने कि जो ये सारा ब्रह्मांड है, ये किसी भी स्टेज पे हो, चाहे उसका सृष्टि हो, उसका पालन हो, उसका बढ़ना हो, उसका इंटरेक्शन जो है सारे एनर्जियों का, उसका विनाश हो, सब कुछ जो है वो भगवान से संबंधित है। क्योंकि कोई भी चीज
बिना भगवान के संबंध के नहीं हो सकते. एनीथिंग एनीथिंग वॉट एवर इज हैपनिंग इज इन कनेक्शन विद द लॉर्ड. तो आध्यात्मिक जगत में तो है ही, लेकिन इस भौतिक जगत में भी जब कुछ होता है दैट इज इन कनेक्शन विद द लॉर्ड. और चाहे वो अपीयरेंस हो, इस सृष्टि का डिसअपीयरेंस हो, पालन हो, या इन एनर्जियों का आपस में इंटरेक्शन हो, एवरीथिंग एवरीथिंग इज इन कनेक्शन विद द लॉर्ड. तो हमारे साथ भी जो हो रहा है, कभी कभी जब बुरा होता है, ये भगवान हरि ये क्या कर दिया तूने, ये ऐसे क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो ये जो है हमारा जो डाउट है दिस इज नॉट गुड, ये हमारे भक्ति का जो हमारा श्रद्धा है वो कितना कोमल है वो बताता है. वो हमारे हमको भगवान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. जैसे हम लोग हमेशा एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा जो होता है जब वो बहुत बिगड़ जाता है, मस्ती करता है, तो मतलब माँ बाप को या टीचर को उसको थोड़ा समझाना पड़ता है. फिर भी नहीं समझता तो फिर उसको थोड़ा सा डांट लगाना पड़ता है, कभी कभी पिटाई भी करनी पड़ती है. तो बच्चा सोचता है ये क्या है, मेरे माँ बाप कैसे माँ बाप, ये कैसा टीचर है, ये नहीं चाहिए मुझे. तो प्रॉब्लम माँ बाप में या टीचर में नहीं है, इट इज हिज रॉन्ग कंसेप्शन. वो उस चीज को अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पा रहा है, इसके लिए उसका ये पिटाई हो रहा है या उसको डांट पड़ रही है. तो ही थिंक्स अदर्स आर रॉन्ग. ये जो कंसेप्शन जो है ये इसको क्लियर करना है हम लोगों की. सृष्टि में कोई गलत नहीं है, भगवान में कोई गलती नहीं है, जो हो रहा है मेरे अंदर त्रुटि है. एंड बिकॉज ऑफ वो जो कमतरता जो मुझ में है, इसके वजह से ये भगवान, जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी जो भगवान हम लोग को सिखाने के लिए जो जो भी करते हैं वो सिखाने के लिए करते हैं, एक लेसन होता है हमारे लिए. तो वी शुड अंडरस्टैंड इन दैट सेंस. और उसको हम लोग जब अच्छी तरह से उसको ग्रहण करते हैं उस शिक्षा को, जैसे अर्जुन जी जब जितने भी जो द्रोणाचार्य जी के पास सीख रहे थे, तो उनको एक टारगेट दिया जाता कि ये सीखना है. जब वो नहीं सीख पाते तो उनको फिर बोल देता अच्छा ठीक है तुम अब यहाँ से पानी भर के लेके आओ, ये करो वो करो. तो इट इज ऑल. और हम लोग जो चाइनीज मूवीज में जो जो जैसे शाओलिन मॉन्क और ये सब होते हैं, तो वहाँ पे इफ यू सी इट्स ए बेसिक चीज़ है कि वहाँ पे उनको जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो वो ट्रेनिंग से ज़्यादा उसका माइंड पे कितना कंट्रोल करना है उसको वो सिखाते हैं. बर्तन धो, उसका जो एटीट्यूड है उसको नम्र बनाने के लिए होता है उसको. और वो जब नम्र भाव में रहेगा तो ये भौतिक चीज़ जो है, जब जो भी मार्शल आर्ट्स है या जो भी है, वो अच्छी तरह से कर पाएगा. तो ये जब भौतिक चीजों के लिए जब ऐसा है, तो ये आध्यात्मिक जगत में तो कितना इम्पोर्टेंट चीज है ये. तो ये हम लोग को एक जो है समझना है, एवरीथिंग जो प्रभुपाद जी यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज रिलेशन विद द लॉर्ड. और फिर आगे जब कहते हैं सच, व्हेनेवर देयर इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ दिस प्राइम रिलेशन विद द लॉर्ड एंड व्हेनेवर थिंग्स आर एक्सेप्टेड एज रियल विदाउट बीइंग रिलेटेड टू लॉर्ड, दैट कंसेप्शन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट ऑफ इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड. तो जब इसको भूल जाते हैं कि ये कनेक्शन भगवान से है, तो फिर समझ जाने का कि हम लोग जो है माया में हैं. हम लोग इसको जब ऐसा सोचते हैं कि ये सब भगवान, इसमें इनका कोई हाथ नहीं है, तो हमको समझ जाने का कि हम लोग माया में पड़े हैं. हम लोग बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं. हम लोग जो अभी द्वारका सोमनाथ गए थे, हम लोग किसी बुरी तरह फंस गए थे हम लोग. तो दैट वॉज, मतलब हम लोग इतने परेशान हो गए कि रात को 2:30 बजे हम लोग कहाँ पे बीच में उतरे हैं. ना हम लोग बाहर जा सकते हैं, ना होटल ले सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं, ना हमारा बस यहाँ आ सकता है, ना यहाँ से बस जो है हम लोग लेके आगे जा सकते हैं. लेकिन वही हम लोग दृढ़ता से भगवान से बार बार प्रार्थना करें, भगवान ये आप ही का किया धरा है, आप ही हमको इसमें से निकालो. तो भगवान ने कैसे कितना अच्छा अरेंजमेंट किया, विद इन 15 मिनट्स हम लोग को दूसरी ट्रेन मिल गई, इसमें बैठे और सारे जो है हम लोग सो के गए उसमें, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था. 17 के 17 लोग देयर ऑल सो नाइसली, हम लोग ने मतलब बहुत से लोग आई नो जप कर रहे थे, फंड देयर टाइम डूइंग जप. लेकिन द पॉइंट आई वॉन्ट टू स्ट्रेस वॉज, किसी को ये नहीं था कि बस हमारे पास कोई टिकट नहीं है, एक जो है आम टिकट है, इसके कारण हमारा सीट बुकिंग नहीं है,
और इसकी वजह से हम लोग दिक्कत है या कोई परेशानी है. तो इफ वी कनेक्ट एवरीथिंग टू लॉर्ड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली एंड विल प्रोग्रेस इन डिवोशनल. हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं. तो अरे भगवान ये कहाँ फंसा दिया मुझे, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे होटल जाना है, मुझे ये करना है. अगर हम लोग अपने दिमाग से अगर हम लोग इसको चलाने का प्रयास करेंगे तो फिर माया अपना कंट्रोल लेगी, फिर माया अपने हिसाब से चलाएगी. अच्छा ठीक है चलो मेरे हिसाब से चलो. तो वी हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग विद द लॉर्ड, चाहे अच्छा हो. अच्छा में तो हम लोग याद नहीं करते हैं, जब अच्छा होता है तो ये मैंने किया, देखो ये मैंने किया, ये मैंने किया. लेकिन जब बुरा होता है तो ये भगवान ये तूने क्या कर दिया. तो दैट कॉन्सेप्ट हैज टू बी अंडरस्टूड, वॉट एवर इट इज गुड और बैड इज इन कनेक्शन विद द लॉर्ड. और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लाइन बोलते हैं, बिकॉज नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट द लॉर्ड. कुछ भी जो है वो भगवान के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता. वो या तो भगवान की अंतरंग शक्ति है, इट शुड बी नोन दैट इल्यूजरी एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड. तो वो जो अंतरंग शक्ति है वो भी भगवान की ही शक्ति है. ऐसा नहीं है कि वो भगवान, मतलब जैसे हम लोग प्रभुपाद जी कई बार एग्जांपल देते हैं जेलर का. तो जेलर क्रिमिनल लोग को कितना पीटता है, कितना मारता है उनको. तो वो कैदी सोचता है कितना ये जेलर मेरे से दुश्मनी कर रहा है, बट दुश्मनी उसके साथ नहीं है. एंड वो उसको कार्य है, उसका जेलर का कार्य है कि इसको ठीक करना है मुझे, तभी वो समाज में फिर वो अच्छी तरह से वो रह सकता है. नहीं, अगर वो क्रिमिनल मेंटालिटी वाला रहे तो कभी बाहर नहीं आ सकता वो, और न कभी समाज में वो एक अच्छा जीवन यापन कर सकता है. तो ये जो है ये गवर्नमेंट ने उसको पावर दिया है कि तुम उसके साथ ये करो. वैसे ही ये जो माया शक्ति जो भी कर रही है, हमको पीट रही है, डांट रही है, मार रही है, ये भगवान के पावर में कर रही है. तो अगर हम लोग बोलेंगे अरे ये माया तो मेरे को हमेशा परेशान करती है, देन वी डोंट सी हैंड ऑफ द लॉर्ड. इसमें भगवान को हम नहीं देख रहे, जो भक्तों के लिए अच्छा नहीं. भक्तों को हर चीज में जो है भगवान का हाथ उसमें देखना चाहिए, जो प्रभुपाद जी यहाँ पे एस्टेब्लिश करना. और फिर यहाँ पे कहते हैं द राइट कंक्लूजन ऑफ डोटलिंग एवरीथिंग इन रिलेशनशिप विद द लॉर्ड इज कॉल्ड योग. और फिर हर चीज जब भगवान से जोड़ते हैं तो चाहे वो फिर भौतिक कार्य भी क्यों ना हो, वो जो है फिर वो योग माया के अंतर्गत आ जाता है और द एनर्जी ऑफ द यूनियन. तो हम देखते हैं कितने भक्तों के जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं. जैसे इतने बड़े बड़े जो संत थे, इतने जो साउथ के आलवार थे, हमारे इंडिया में इतने सारे संत थे, संत कबीर, संत रोहिदास, बिल्वा मंगल ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, भक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर महाराज, जिन्होंने क्या परेशानी सहन नहीं किया, कितना तकलीफ हुआ उनको, कितना कितना परेशानी हुआ, लेकिन दे टुक एवरीथिंग एज इज द अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड. और इसके लिए उनका वो जो कार्य था वो भी उनका योग माया के अंतर्गत, भगवान की शक्ति के अंतर्गत हो गया और भगवान ने फिर उनका रक्षा किया. तो जब हम इस अप्रोच को जब रखते हैं तो भगवान भी फिर हमारी रक्षा करते हैं. बोलते हैं ना कि जैसे बहुत अच्छा वो उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ प्रहलाद महाराज का. प्रहलाद महाराज को कितनी बार उनको परेशान किया, आपके जो सबसे दुनिया के सबसे जहरीले सांप थे उस खड्डे में डाला गया, उनको जहर दिया गया, उनको हथियारों से मारने का प्रयास किया, लेकिन उनको कुछ नहीं. फिर एक बार पिताजी ने बोला इसको पहाड़ से नीचे फेंक दो. जब पहाड़ से नीचे फेंक दिया, हर बार भगवान विष्णु जो है वो उसको तुरंत उसको बचा लेते थे. इस बार भगवान ने भी सोचा थोड़ा इसका जरा टेस्ट करते हैं, जरा देखते हैं ये कहाँ पे इसका माइंड चेंज होता है. तो वो चाहते तो जैसे ही फेंका उसको पकड़ सकते थे, लेकिन नहीं पकड़ा. उन्होंने बोला चलो टेस्ट करते हैं इसका, और वो गिरता रहा और उसका मेंटल वो जो उसका जो जाप है वो चलता रहा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो कंटिन्यू जाप करता रहा. और ऐसा था कि भगवान ये सोच रहे थे कभी तो मम्मी मम्मी बचाओ किसी को तो पुकारेगा, बट वो फोकस उसका जो था टिल द लास्ट मोमेंट, वो जो है ऐसा जस्ट वो जमीन पे हिट करने वाला था, तब भगवान ने आके पकड़ा ये मेरा सही भक्त है. तो भगवान हमको समझना चाहिए कभी कभी जो है हमारी परीक्षा लेते हैं, कभी कभी वो तुरंत बचा लेते हैं हम लोगों को. जैसे हमको द्वारका सोमनाथ यात्रा में कभी कभी हो सकता है वो टेस्ट ले, हमारा हो सकता है वो कभी एक महीना चले, कभी साल भर चले. तो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और ये मेरे अच्छे के लिए ही है. तो ये हम लोगों को हर चीज में भगवान का हाथ देखना बहुत जरूरी है. और फिर यहाँ पे कहते हैं कि दोनों माया बुद्ध माया आल्सो हैव कनेक्शन
विद द लॉर्ड बिकॉज नथिंग एग्जिस्ट विदाउट बीइंग रिलेटेड टू हिम. तो चाहे योग माया हो या महामाया, ये भगवान के कनेक्शन में और उनके अंतर्गत ही ये कार्य हो रहा. बोलते ना कि एक जो एक पेड़ का पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना हिल नहीं सकता. तो फिर इतना बड़ा जो कार्य है, इतना सब कुछ हो रहा है, इतने जीवों का पालन हो रहा है, इतने जीवों का जो है पोषण हो रहा है, तो ये सब सब भगवान के इच्छा से ही हो रहा है. और फिर आगे कहते हैं, एज सच द रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ डिटैचिंग रिलेशनशिप फ्रॉम द लॉर्ड इज नॉट फॉल्स बट इल्यूजरी. तो ये जो सोचना है कि ये जो गलत धारणा जो है ये कि मैं भगवान से अलग हूँ, ये जो है इल्यूजरी है. ये तो इसमें हमको कभी मतलब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोग जो है हमेशा भगवान के चरणों में लगे रहें. तो भगवान जो है वो इतना मतलब भगवान तो बहुत कृपालु है, लेकिन भगवान से ज्यादा भगवान के भक्त कृपालु है. तो उनके शरण में रहना चाहिए हम लोगों को. और जब भक्तों के संग में जब रहते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं साधु संग सर्वशास्त्र को. इतना बार हम लोग उसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं, हम लोग को भक्तों के संग में रह के हम लोगों को अपना भक्ति करना है. हम लोग सोचेंगे नहीं, मैं भगवान का ही भक्त हूँ, बाकी मुझे किसी भक्त से कोई मतलब नहीं है, तो फिर उसका फॉल डाउन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो ये था. और यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे, मिसकंसीविंग वन थिंग फॉर अनदर इज कॉल्ड इल्यूजन. जैसे कभी कभी अपने इंद्रियों की वजह से हम लोग को एक रस्सी भी है वो सांप की तरह नजर आती, तो ये हमारी त्रुटि है. ये यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि ये जो रस्सी को है वो सांप के समान दिखती है, कभी कभी हम लोग डर जाते हैं. और इनफैक्ट ये जो छोटा था मेरे साथ ये एक्चुअल हुआ है. सो आई कैन फील दैट कि मतलब था कुछ और, लेकिन मुझे लगा कि बड़ा अजगर है वो. तो और मैंने कई लोगों को डरा दिया, अरे वहाँ पे अजगर है, वहाँ पे अजगर है. जब सब लोग डर रहे थे, लेकिन जब पास में गए देखा तो कुछ और ही निकला हो. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इल्यूजन इज सो सो रॉन्ग. तो हम लोग जो हैं ये हम लोगों को हमारी इंद्रियों की कमी के कारण होता है. वी आर नॉट एबल टू परसीव प्रॉपरली. और इसके लिए क्या करना है, एक ही इलाज है कि अपने इंद्रियों को ऋषिकेश सेवनम भक्ति रोचते थे. जब उसी इंद्रियों को जो हमको गलत परसेप्शन कराती है, हमको कुछ कुछ कहा कुछ और गया लेकिन सुनते कुछ और नहीं, देखा कुछ और लेकिन दिखता कुछ और, दिखाया कुछ और लेकिन हमारा बुद्धि तो समझता है कि नहीं नहीं हम लोग ज्यादा दिमाग वाले हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है. ये जो है ये सारा जो है इसको जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो भक्ति कहलाता है. तो वो हम लोगों को यही करना है, सारे अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है. और फिर कहते हैं, एंड दिस इल्यूजरी कंसेप्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द रियलिटी इन द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस. तो प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति को अगर सांप समझता है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो सांप है नहीं, वहाँ एक्चुअल फैक्ट है वो, लेकिन वो कंसेप्शन इसी कारण आता है बिकॉज इट इज ट्रू. और यही जो प्रभुपाद कई बार इसको मायावादी कंसेप्शन से जोड़ते हैं, वो बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या. तो मिथ्या मतलब उनका मतलब है ही नहीं, मिथ्या मतलब दैट विच इज नॉट, जो है ही नहीं. तो अगर वो सांप देख रहा है तो नहीं है, बट इट इज इल्यूजन, इट इज नॉट फॉल्स, इट इज नॉट प्रेजेंट, ऐसा नहीं है, वो है. और जैसे प्रभुपाद कई बार उसका भी उदाहरण देते हैं कि रेगिस्तान में हमको जल दिखाई देता है, तो जल ये एक्चुअल है. तो ये हमारे परसेप्शन के कारण हम लोग उसको समझ नहीं पाते उसको. तो ये है. और फिर आगे द कंसेप्शन दैट द लिविंग एंटिटी इज फॉर्मलेस और दैट द सुप्रीम लॉर्ड इज फॉर्मलेस इज ऑल्सो इल्यूजन. तो जैसे जो भगवान को निराकार समझते हैं, तो ये भी जो है ये माया है, क्योंकि भगवान निराकार कभी नहीं हो सकता. जिसने हमको रूप दिया है वो खुद कैसे निराकार हो सकता है. और ये भगवद गीता का जो है सेकंड अध्याय का श्लोक नंबर 12 प्रभुपाद जी कोट करते हैं. वो कहते हैं, नत्वाहम जातो नासम नित्यं मेने जनादिपः न चैवन भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम. तो हम लोग हमेशा थे, हमेशा है और हमेशा रहेंगे. ऐसा कभी था में नहीं आया कि हम लोग नहीं रहेंगे. ये भगवान कुरुक्षेत्र के
मध्य में ये इंस्ट्रक्शन को अर्जुन को दे रहे हैं, ताकि जो अर्जुन है उसको सही तरीके से समझ सके और जो है अपना जो कार्य है वो जो भ्रमित हो गया है वो फिर से जो है वो एक्चुअली अर्जुन नहीं था, एक्चुअली वो हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे लिए था और हमारे बिहाफ पे अर्जुन जी परीक्षित महाराज जी जो सारे जो जो प्रश्न है ये उनसे पूछते हैं ये। और यहाँ पे और एक है, इन ऑल द सर्कमस्टेंसेज द लॉर्ड एंड द लिविंग एंटिटीज आर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज एंड द पर्सनल फ्यूचर ऑफ बोथ द लॉर्ड एंड द लिविंग बींग आर नेवर अबॉलिश्ड। तो भगवान भी जो है सनातन है, शाश्वत हैं और हम लोग भी जो है शाश्वत हैं, हम लोग हमारा कभी नाश नहीं होगा, विल ऑलवेज बी देयर। और ये बात हम लोग समझ जाएंगे हमारा रिलेशन क्या है भगवान, हमारा क्या क्या करना है हमें, तो देन वी आर इनटू भक्ति, ये हम लोग जो है हम लोग समझ पाएंगे। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द डार्कनेस कैन बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड बी रिमूव्ड। तो ये जब प्रकाश जब आता है तो अंधकार ऑटोमेटिकली मिट जाता है, तो वैसे ही भगवान की कृपा होती है तो जो भी अंधकार है हमारे जीवन में, जो भी अज्ञान है वो तुरंत जो है नाश हो जाता है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, द रियल सोर्स ऑफ लाइट इज द ब्रह्म ज्योति विच डिफ्यूजेस लाइट फ्रॉम द ट्रांसेंडेंट बॉडी ऑफ द लॉर्ड एंड द सेम लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द वेराइटीज ऑफ लाइट, द लाइट ऑफ सन, द लाइट ऑफ मून, द लाइट ऑफ फायर एंड द लाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो द आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ इज बीन अनकनेक्टेड विद द सुप्रीम सेल्फ, द लॉर्ड इज ऑल्सो इलिजन। तो हमने देखा जैसे उस दिन गोविंदानंद प्रभु ने भी बताया कि जो ये जो सारा जो प्रकाश जो दिख रहा है हम लोग को, आकाश जो ब्लू दिख रहा है, ये भगवान की ही ज्योति है, भगवान ब्लू कलर के हैं। जैसे हम लोग देखते हैं हम लोग अभी गणपति फेस्टिवल भी आ रहा है, गणेश उत्सव आ रहा है, तो अलग अलग प्रकार के उसके ऊपर बल्ब के ऊपर जो है अलग अलग कलर के कवर चढ़ा के वो फिर प्रकाश वैसा डालते हैं, तो जिस चीज का प्रकाश है तो वैसे ही वो प्रकाश देगा उसी कलर का। तो भगवान हम लोग जानते हैं कैसे है, श्याम वर्ण के हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ये जो जो सारा सृष्टि पे जो प्रकाश जो पड़ता है वैसे ही पड़ता है। शास्त्र में कहा गया है कि जो सूरज जो रोशनी है ये भी भगवान की उसी रोशनी के कारण आती है, चंद्रमा भी उसी के कारण प्रकाशित है, सब कुछ जो है उसी के कारण प्रकाशित होंगे। तो ये सोचना कि हम भगवान से कनेक्टेड नहीं है, इसे हम लोग बोलेंगे एक सुपर सुपर तरीके, हम लोग एक माया में हैं और हम लोग को इस बात को समझना है। फिर लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि एंड द फॉल्स क्लेम आई एम सुप्रीम द लास्ट इल्यूजरी स्नेयर ऑफ द सेम माया और एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। तो माया के बहुत सारे प्रकार हैं, कोई जीव जो है खाने पीने के मामले में वो माया पड़ जाता है, तो मतलब उसको इतना आसक्ति है कुछ, किसी को काम वासना बहुत ज्यादा है तो स्त्रियों से आकर्षित है, तो अलग अलग प्रकार की माया, किसी को पावर का है, मुझे पावर चाहिए, मेरा नाम हो, आई वॉन्ट टू बी द फेमस पर्सन, ये जो है अलग अलग प्रकार के जो माया के प्रकार है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि सबसे जो टॉप मोस्ट जो माया का प्रभाव ये है, ये सोचना कि मैं सुप्रीम हूँ, तो इससे हमको बचना है। जो आमतौर पे हम लोग देखते हैं जो निराकारवादी है वो लोग ये सोचते हैं कि इसीलिए वो दूसरे को नमो नारायण एक दूसरे को पुकारते हैं कि आप भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूँ, सभी नारायण हो, ये सोचना एक बहुत बड़ा जो है एक माया का ही दुष्प्रभाव है, इससे हमको बचना चाहिए। तो 9:10 हो रहे हैं, आई थिंक मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, ऑलरेडी इस तरफ जो दो पैराग्राफ मैंने ऐसे ही जस्ट पढ़े हैं और जो कुछ इसको मैं समझ पाया हूँ मैंने प्रेजेंट किया है। तीसरा पैराग्राफ हम लोग कर लेते हैं, कल इसको देखने का प्रयास करेंगे या रात को देख लेंगे हम लोग इसको, तो किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कोई डाउट है, एडिशनल कमेंट है, या मैंने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज प्लीज टेक इट अप। हरे कृष्ण, श्रीमद्भागवतम की जय।
प्रभुपाद की जय, इकट्ठे भक्तवृंद की जय। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडक प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू वेरी मच, आपने हिमांगिनी राधा माता जी के मतलब वो एब्सेंट थे, आपने इतना बहुत बढ़िया मतलब एट द लास्ट मोमेंट आपने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कि आपने क्या कहता है बहुत ही सुंदर क्लास दिया, जैसा कि आज आपका क्लास भी नहीं था और आपने कुछ ऐसा तैयारी भी नहीं किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इतना सुंदर क्लास दिया है। और प्रभु इसमें मैंने दो चीजें आपसे समझी हैं, उसको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक चीज मैंने आपसे ये अभी जो सुना उसमें ये दिखाया कि जो हमको जब तक हम विनम्र नहीं होंगे तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, इसीलिए हमको पनिशमेंट मिलता है। चाहे हमको भौतिक जगत में भी, जैसे अभी आपने बताया कि पुलिस के द्वारा या हमको शिक्षक के द्वारा जो हम स्कूल में पढ़ते हैं या माता पिता के द्वारा हमको जो भी कष्ट मिलता है ना, तो ये इसीलिए मिलता है कि हम विनम्र बने और विनम्रता से हम कुछ सीख पाएंगे ज्ञान मतलब सत्वगुण में। एक तो मैं ये समझा, क्या मैं सही समझा ये प्रभु जी बताना। और दूसरी चीज ये प्रभु जी, जो एक उदाहरण आया मेरे आपके इस सुनने से कि जैसे हम देखते हैं प्रभु जी कि जो बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, हमारे घर में भी बच्चे होते हैं वो खेलते रहते हैं, तो बच्चों के ग्रुप में ऐसे लगता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं, हम खेल ही तो रहे हैं, हमको कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जो उनके ऊपर होते हैं माँ बाप होते हैं, वो देखते हैं कि इनका खेलने की इनकी उम्र नहीं है, मतलब खेलने की उम्र है लेकिन थोड़ा ही खेलो, लेकिन आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए क्योंकि आगे जाके पढ़ाई ही काम आएगी, है ना। उसी प्रकार से अगर हम अब इस उदाहरण को हमारे ऊपर कंपेरिजन करें तो हम देखते हैं कि हम अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे हमारे बच्चे हैं, बच्चे अच्छी स्कूल में जा रहे हैं, अच्छी इनकम आ रही है, लेकिन हम भगवान की तपस्या नहीं कर रहे हैं। आम दुनिया में हमको ऐसा लग रहा है कि जो भी देखेंगे बिल्कुल सही चल रहा है बिल्कुल, लेकिन इनसे भी जो ऊपर अथॉरिटी है, जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, जो भगवान है, वो देख रहे हैं कि ये सब कुछ सही नहीं चल रहा है। हमको इस दुनिया में दिख रहा है कि हाँ सही सही चल रहा है, शांति है, अच्छी इनकम आ रही है, लेकिन ऊपर अथॉरिटी देख रही है कि ये सब कुछ सही नहीं है क्योंकि इनमें इन्होंने भगवान को ऐड नहीं कर रखा है। उसी तरीके से बच्चे जैसे खेलते रहते हैं, उनको लगता है कि हम सब सही हैं, हमको क्या दिक्कत है, लेकिन जो उनके माँ बाप होते हैं उनको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, पढ़ाई लिखाई इनके जीवन में आगे जाके काम आएगी, है ना। एक तो ये चीज मैं समझा प्रभु जी। और तीसरी चीज को भी आपने प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया कि उनको ऊपर से गिराया गया तो भगवान ने परीक्षा ली कि वो चाहते थे ऊपर से पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान ने परीक्षा ली कि जब वो नीचे लास्ट में गिरने ही वाले थे तब जाके भगवान ने उनको पकड़ा। तो इससे मेरे को रिसेंटली प्रभु जी एक ये उदाहरण आया प्रभुपाद जी का, जो प्रहलाद महाराज को हमने देखा नहीं है लेकिन प्रभुपाद जी का हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन कब मिला था उनका, उनके गुरु महाराज का, और वो प्रयास करते रहे लेकिन बहुत असफलता है उनको मिलती रही, लेकिन वो भी दृढ़ रहे और लास्ट में उन्होंने ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि जो शायद अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। मैं ये चीजें समझाऊं प्रभु जी, आपकी जो क्लास आपने दी 20 मिनट की, उससे मेरे भी हृदय में ये चीजें आई और आपका बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु जी, जिसमें आपने तैयारी भी नहीं किया था और आपको रिसेंटली मतलब एकदम से ऐसे बोलना पड़ा और आपने पूरी क्लास को अच्छे से संभाला। थैंक यू प्रभु, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा ना। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। यह बहुत बहुत सही कहा कि ये जो है कभी कभी भगवान जो है इस तरह से परीक्षा लेते हैं। हम प्रभुपद जी को जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, प्रभुपद जी के जीवन में भी हमको देखने मिलता है ये चीज कि उसको प्रभुपद जी को जो उनके गुरु महाराज के द्वारा इंस्ट्रक्शन कब मिला और कितना प्रयास किया। ऐसा नहीं था कि वो प्रयास नहीं कर रहे थे, इंडिया में काफ़ी प्रयास किया। जब वो बिजनेसमैन थे, उनका जो फैक्ट्री थी वो चला रहे थे, केमिकल फैक्ट्री, वो करते करते कई प्रयास किया। फिर उसके छोड़ने के बाद उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज स्टार्ट किया, मैगजीन प्रिंट किया, बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। तो इस सीखने इसमें हमको ये है कि हम जब गिर रहे हैं तो वो किसी भी क्षण हमको हमको जो अपना जो धैर्य है वो देने ही खोना है, अरे कुछ नहीं हो रहा छोड़ो। अगर प्रहलाद महाराज भी यही करते हैं, अभी गिरने वाले हैं, अभी टच होने वाले हैं, देख रहे हैं कि मैं गिर रहा हूँ, जब टच करने वाले, ऐसा नहीं कि नहीं चलो किसी और का फोन देखे, नहीं आप रूपा जी को। तो हमारे भी जीवन में हमको उनसे एक लेसन लेना, हमारे आचार्य हैं जो, उनसे लेसन लेना चाहिए कि
हम लोग जो है वो धैर्य बना के रखे, और हम लोग देखते हैं जो छह चीजें हैं हमारा जो भक्ति में हमको आगे बढ़ाती है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त्व कर्म प्रवर्तन संग त्याग सतवृत्ति सद्गुरु भक्ति प्रसिद्ध देती। तो ये छह चीजें हमारी भक्ति बढ़ाती, तो इसको हमेशा हम लोगों को रखना चाहिए। और भगवान यही टेस्ट करते हैं कितना धैर्य है हम लोग इसका देखते हैं। थैंक यू विष्णु भक्त जी, हरे कृष्णा, अनंत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा क्लास था। बल्कि ऐसा लगा था कि आज का क्लास आप ही के लिए था, कि आप ही आज का क्लास लें, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपने हिमांगनी माता जी का क्लास तो लिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने बहुत ही अच्छे से ये क्लास समझाया। इसीलिए ऐसा लग रहा था कि ये क्लास आप ही को देना चाहिए था, क्योंकि आप ही के मतलब बहुत ही अच्छे से आपने इसको डील किया, और जिसे आप हमको सूझबूझ से समझाते हैं, बल्कि तर्क दे के, एग्जाम्पल्स दे के। इनफैक्ट प्रभु जी मुझे इसी पॉइंट पे बोलना, जो आपने एग्जाम्पल दिया बहुत ही उपयुक्त और एकदम सटीक एग्जाम्पल था। जैसे इसको समझाने के लिए आपने एग्जाम्पल दिया कि जब हम द्वारका सोमनाथ यात्रा पे गए तो हमारी जो शेड्यूल कैसे वो भगवान ने चेंज कर दी, उसको मोड़ दिया पूरा, कि हम जैसे हमने सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं, बल्कि कुछ और ही हो गया, कुछ हमारी दिशा ही बदल गई। हम पहले द्वारका चले गए फिर सोमनाथ गए, तो उसमें जब हड़बड़ी में जब पहले हम एकदम वो ऐसे हो गए कि ये क्या हो गया, तो उससे हमें ये प्रभु मैं जस्ट अपना एक ठीक बताना चाहूंगी कि इससे मैंने क्या सीख ली। वैसे आपने बहुत ही अच्छा बताया कि हमें इसमें से सीखना है कि माया योग माया दोनों ही भगवान के इसमें आती है, जो भी भगवान करते हैं परेशानी से भी भगवान, अगर हमें भगवान किसी परेशानी में छोड़ते हैं तो वही निकालते भी हैं उस परेशानी में से। तो प्रभु मैंने ये भी सीखा, और एक और चीज मैंने ये सीखी प्रभु इसमें से, जो हुआ पूरा वाक्य इसमें से ये सीखा मैंने कि हमें अपने प्लान्स नहीं बनाने, बल्कि भगवान के प्लान्स पर सिर्फ चलना है। क्योंकि जो हुआ हमें तो नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो जाएगा, हम तो ऑन द स्पॉट सब देख के एकदम दंग रह गए कि ये क्या हो गया। तो लेकिन भगवान को तो पहले से ही पता था ना, वो तो अंतर्यामी है कि ये मैं करने वाला हूँ ऐसा और ये होगा। तो वो चाहते होंगे कि मतलब मैंने ये सीख ली प्रभु कि मेरे प्लान्स मेरे बनाए। कई बार हम लोग भौतिक जगत में भी वो देखते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, फिर हम इसमें हमें भगवान का हाथ देखना है हर चीज में। तो मैंने ऐसे सोचा कि ये भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिखाना चाह रहे हैं कि मेरे प्लान्स पर बस चलो, ये प्लान तुम्हारा प्लान तो था पर तुम्हारे प्लान से भी ऊपर मेरा प्लान है, और मेरे प्लान्स पे चलो और तो सब सही रहेगा। और वाकई में प्रभु ये लग रहा था कि अगर हमारे हिसाब से होता तो चुपचाप हम सो जाते, मतलब जैसे अहमदाबाद से आपने मुझे तो वो आके हम सब चुपचाप सो जाते सुबह को उठते, तो वो बहुत ही बोरिंग प्लान हो जाता। लेकिन भगवान, जैसे हम कितने भक्तों से सुनते हैं कृष्णा इज द नेम ऑफ एडवेंचर, भगवान को एडवेंचर बहुत पसंद है, तो भगवान ने पूरा एडवेंचर किया, रात को नींद हमारी बिगड़ी, लेकिन फिर उसमें हमें मजा भी आया कि अरे सब डिवोटी से हम मिले और सुजाग हो गए, और मतलब एक बोरिंग बोरियत नहीं थी उसमें, सब हमको बिल्कुल हिला दिया सुबह को, बिल्कुल नींद नहीं हुई और एकदम हम अवेकन हो गए सुबह सुबह, जल्दी से मंगला के लिए सब गए, दर्शन किए, तो वो बोरिंग नहीं रहा, एक अलग चीज भगवान ने उसमें से भर दी। तो ये भगवान, मैं सिर्फ यही प्रभु कहूंगी कि भगवान हमको दिखाना चाहते हैं शायद इसमें से कि मेरे बनाए हुए प्लान्स पर सिर्फ चलो, अपने प्लान्स मत बनाओ, क्योंकि मेरे अब तुम्हारे प्लान से भी ऊपर मेरा प्लान है, और भगवान का प्लान हमेशा द बेस्ट होता है और बोरिंग नहीं होता है। तो प्रभु शायद ये अगर आप बता सके कि क्या ये सही समझे हैं प्रभु। हरे कृष्ण। करेक्ट, यही है कि हम लोग हमेशा जैसे प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में कह रहे हैं कि हर चीज में भगवान का हाथ देखना चाहिए, जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, भगवान बस अच्छा हो रहा है तो ये आपकी वजह से हो रहा है, बुरा हो रहा है भगवान अब आप ही देखो, मेरे बस की बात नहीं है, चाहे छोटे से छोटे हम लोग उसको रिपेयर कर सकते हैं, हमारे हाथ में इतनी शक्ति हो, लेकिन फिर भी मेंटेलिटी यही होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता इसको, भगवान ये जो आज मुझ में शक्ति है इसको कुछ करने की, इसको ठीक करने की, ये भी आप ही के द्वारा है, तो आप मुझे शक्ति दो तो मैं इसको ठीक कर सकूं। तो जैसे सूरत माधव प्रभु हमेशा बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं आई विल मेक द प्लान गॉड प्लीज यू एग्जीक्यूट, ऐसे नहीं होना चाहिए, गॉड को बोलना चाहिए, कृष्ण को बोलना चाहिए यू मेक द प्लान आई विल एग्जीक्यूट। तो ये एक हम लोगों को विचार रखना चाहिए। थैंक यू जय हरे कृष्णा विष्णु भक्त जी, हरे कृष्णा। Thank you.
जी अभी आप जो ये चर्चा कर रहे थे ना, तो बस मैं थोड़ा सा पॉइंट इस पे रखूंगा। हमारे यहाँ से प्रभु जी जब भी वृंदावन की यात्रा जाती है तो हमारे एक सीनियर भक्त है वो हमको जाते हैं, और उसमें काफी नए भक्त भी होते हैं। लेकिन जब हम बस में जाते रहते हैं ना, तो वो एक अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि जो जो भक्त लोग जुड़े हुए हैं ना वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो नए लोग होते हैं ना उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हमारे प्रभु जी का ना हमेशा है कि उनको बस में जाते जाते वृंदावन पहुंचने से पहले बताते हैं कि देखो हम ये 4 दिन की यात्रा पे हम चल रहे हैं और हमारा पूरा पेपर वर्क किया हुआ है, हमारा पूरा अच्छे से तैयारी की हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वृंदावन पहुंचते ही ये प्लानिंग हमारी नहीं चलेगी, वहाँ पे केवल भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, हरे कृष्ण की प्लानिंग चलती है। तो इसमें अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो आप उसकी प्लानिंग लेके ही समझ के चलना। आप हमारे ऊपर त्रुटि करोगे, ये हुआ वो, हम अपना फिर भी बेस्ट करेंगे, लेकिन अगर यहाँ हमारी यहाँ तक ही प्लानिंग है, लेकिन जैसे हम वृंदावन में एंटर होंगे प्लानिंग सारी उनकी चलेगी। तो ये आपने जो बोला उस पर मैंने ये चीज बताई, तो इसलिए मैं आपको ये चीज शेयर करना था। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। या नो डाउट ये बात है कि वृंदावन में श्रीमती राधा रानी का होल्ड है, वहाँ पे भगवान कृष्ण का होल्ड है, वहाँ पे हमारा प्लान कितना भी बना नहीं चल पाएगा। सिर्फ वृंदावन में क्यों, बाहर भी जो है सारा सृष्टि जो है उनका होल्ड है और वही कंट्रोल करते हैं, लेकिन हमको एक थोड़ा छूट देते हैं। भैया चल खुश हो जाए, चल ठीक है तूने कुछ किया है, मैंने ये बंगला बना लिया, मैं ये फैक्ट्री चला रहा हूँ, मैं इतना बड़ा परिवार चला रहा हूँ, तो वो एक थोड़ा सा एक गलत धारणा हमारे मन में आ जाती है। बट हाँ, धाम में जाएंगे तो फिर हमारा कोई प्लान नहीं चलेगा, हम लोग कितना भी कुछ भी कर ले, इट्स ऑल ओनली लॉर्ड्स प्लान। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। या वैजय माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर एन एक्सलेंट क्लास। A couple of things that are takeaways for me, Prabhuji. I really like that Prahlad Maharaj example that you gave, when he was thrown in the mountain. Us samay bhi, he was always thinking of God till the last minute. Mere liye, this is like a practical thing that we can execute har din. Because rose, you know, kuch na kuch hota hai, some good, some bad. But sab, you know, it's all, you know, we have to think of Krishna and accept it whether it is good or bad. Because jab, you know, burai hota hai, to we immediately question, oh God, why me? Par achai hai to, you know, something, some award or reward or whatever, kuch achha ho raha hai, do we actually say why me at that point? So dono, you know, achha ya bura, it is all Krishna's grace and Krishna's mercy. And every day hame, you know, usko center mein rakke, you know, soch ke mindfully, the jo kuch, you know, kuch burai ho raha hai, why it Krishna is actually sending it to give us a lesson. ऐसा समझ के, and again we get something good, it is because of Krishna's mercy. Hare Krishna Prabhu ji, once again thank you for an excellent class. Thank you Mata. Hare Krishna. So I think we will stop here 9:25 or nothing after that. Thank you everybody once again. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसको गुरुवृंद की जय, इकट्ठे वक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।